बिहार में लोकसभा चुनाव के तहत 4 चरणों के वोटिंग खत्म हो चुके हैं और अब बाकी के 3 चरणों के तहत वोटिंग को लेकर चुनावी मैदान में प्रत्याशी तैयारियों में लगे हैं। इसी बीच कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नामांकन यानी कि नॉमिनेशन रद्द हो गया है। और कभी आपने ये देखा और सुना है कि अगर किसी का नामांकन रद्द होता है निर्दलीय प्रत्याशी का, तो वो अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों से ही हाथापाई करने लगे। अगर आपने नहीं सुना और ना ही देखा है तो आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बिहार के जहानाबाद से आया है, जहां जहानाबाद में नामांकन रद्द होने के बाद एक प्रत्याशी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा और वहां पर भारी बवाल काटने लगा और पुलिस कर्मियों साथ ही अधिकारियों के साथ हाथापाई पर उतर आया। दरअसल जहानाबाद में 7वें चरण में यानी कि अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। अभिषेक दांगी नाम के इस निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना जहानाबाद संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र की जांच के बाद जिला प्रशासन ने अभिषेक दांगी का नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही अभिषेक दांगी को मिली, वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा और वहां पर पहुंचकर अपना आपा खो बैठा। इससे पहले उसने डीएम से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे रोक दिया, जिसके बाद पुलिस जवानों से वो भिड़ गया और जमकर हाथापाई पर उतर आया। अपने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता नजर आया निर्दलीय प्रत्याशी, आइए आपको वो सुनाते हैं। मैंने अपने हक की आवाज उठाने के क्रम में अपनी बात रखी डीएम के सामने, और वो बात के लिए मैं उनको बोल रहा था कि जो आप रिसीविंग मेरे को दे रहे हैं उसके साथ में जहाँ पे कमी आप बता रहे हैं उसको हाईलाइट करके हमको एक पेज का कॉपी संलग्न करके दे दीजिए। उस बात को करने के क्रम में जब बात हो रही थी, उसी समय में मनोज कुमार तिवारी ऐसा ही है, वो पकड़ के मेरा कमर को वहाँ से खींच के बाहर निकालने का प्रक्रिया में धक्का मुक्की करते हुआ और इशारा किया सारा कैमरा बंद कर दो। सारा कैमरा, जबकि नियम है कि इलेक्शन का प्रक्रिया के दौरान सारा कैमरा चलता रहेगा कहीं पर भी, और वहाँ कैमरा बंद करा के मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया गया, धक्का मुक्की किया, जिसके कारण हमको विरोध करना पड़ा कि भाई आप कैमरा कैसे बंद करा सकते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने SDM को फ़ोन किया, SDM भी दौरे दौरे वहाँ से आए। वो भी आते ही ये नहीं सोचे कि कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सीधा पहले आते कैमरा बंद करो, और उसके बाद वो भी बदतमीजी करने लग गए। तो उसी क्रम में मैं अपना फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग गया, मेरा फ़ोन भी पूरा जोर जबरदस्ती छीनने की कोशिश हुई। उसी छीनने की कोई प्रक्रिया को लग रहा है कि मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ, उल्टा मेरे साथ जाती वहाँ हो रही थी। मैं अपना वो विरोध कर रहा था, जो बाकी और भी जब धक्का मुक्की होते हुए जब नीचे पहुँचे तो बाकी मीडिया कर्मियों ने भी इसको रिकॉर्ड किया, बहुत सारी जगह वीडियो सार्वजनिक भी आप लोग देख सकते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह पर वीडियो अवेलेबल है कि क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने गलती की है कि वो लोग मेरे साथ जाती कर रहे थे। जब कैंडिडेट के साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम मेरा होगा कि हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अभी तो प्रक्रिया जो है उसको तो पूरा करेंगे ही, और इसके क्रम में जीत हमारी बिल्कुल होनी है, और किसी कारण से अगर ऊंच नीच भी होगा तो हम लोग हार मानने के लिए नहीं बैठे। हम जिस क्रांति को, पीली क्रांति को लेकर चले हैं वो चलेंगे, और आने वाले समय में 2243 जो पूरा विधानसभा सीट है मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन पूरे 243 सीट पे हम कैंडिडेट उतारेंगे। देखते हैं किसमें कितना दम है, कितना लोग को रिजेक्ट कर सकते हैं, पूरे बिहार में कितना ये लोग फाइल रिजेक्ट करेंगे हम देख लेंगे। तो सुना आपने निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक दांगी ने क्या कुछ बातें कही। देखिए पहले तो ये तस्वीरें आप एक बार वापस से देखिए, जब उसे रोका गया निर्दलीय प्रत्याशी को डीएम से मिलने के लिए, तो वहां पर किस तरीके से वो दादागिरी पर उतर आया। दरअसल अभिषेक दांगी ने मामले को कोर्ट में ले जाने की भी बात कह डाली और कहा है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, किसी ने जानबूझकर उनका नॉमिनेशन रद्द किया है। बता दें कि जहानाबाद संसदीय सीट से कुल 40 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरा ना करने के कारण निर्वाची पदाधिकारी ने 40 में से 23 उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया। जिन लोगों के नामांकन को रद्द किया गया उनमें खासा नाराजगी देखी जा रही, और ऐसे में जब निर्दलीय प्रत्याशी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा और वहां पर उसने अपने नामांकन रद्द होने को लेकर डीएम से मिलने की कोशिश की, तो वहां पर उसे रोका गया, और रोकने के बाद किस तरीके से उसका गुस्सा फूटा, वहां पर मौजूद अधिकारियों के साथ साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई पर भी उतर आया।